हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे पाइथन के एमसीक्यू जिसमें हमारा टॉपिक होगा रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच मॉड्यूल इज इन पाइथन सपोर्ट रेगुलर एक्सप्रेशन। कौन सा मॉड्यूल है पाइथन का जो रेगुलर एक्सप्रेशन सपोर्ट करता है? तो वो हमारा है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, रिजेक्स, पाई रिजेक्स। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा ए, इनकी री री अगर इम्पोर्ट कर देंगे तो वह रिजेक्स ऑप्शन क्या करके ले लेगा हमारा यहाँ पे। इज पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड कैन बी इम्पोर्टेड यूजिंग इम्पोर्ट रे। फिर हमारे यहाँ पे सेकेंड नंबर है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स ए पैटर्न ऑब्जेक्ट। पैटर्न ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करता है यह बताना है दूसरे में। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे सी, री डॉट कंपाइल एस टी आर। ये क्या करता है, पैटर्न ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। फिर हमारा क्या होगा थर्ड नंबर दिया है, व्हाट डज द फंक्शन री डॉट मैच। री डॉट मैच जो फंक्शन होता है वो क्या करता है ये बताना है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिया गया है। तो हमारा यहाँ पर तीसरे में ऑप्शन होगा ई, ये वाला, मैचेज ए पैटर्न एट द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। फिर हमारे यहाँ पे ई टू क्या करता है, पैटर्न को लुकिंग करता है वहाँ पे कि फाउंड है कि नहीं है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे फोर्थ नंबर, यहाँ बताना है कि फंक्शन अगर कोई है री डॉट सर्च तो वो क्या करेगा हमारे यहाँ पे रिजेक्ट में। फोर्थ नंबर हमारे यहाँ पे है कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन हो, यहाँ पे जो फोर्थ है उसमें होगा बी ऑप्शन, ये वाला, मैचेज ए पैटर्न एट एनी पोजिशन इन द स्ट्रिंग। रिजल्ट जो सर्च करता है वो क्या करता है, पैटर्न को मैचिंग करता है वहाँ पे लिया करके। फिफ्थ नंबर यहाँ पे है कि व्हाट विल द आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट बताना है क्या होने वाला है। एक पहले सेंटेंस दिया है, वेयर ह्यूमन, मैच करवाना है इसको यहाँ पे स्टार या स्टार करके। ये सारे जो है सेंटेंस मौजूद होने चाहिए, ग्रुप में होने चाहिए। तो यहाँ पे जो पांचवा हमारा होगा वहाँ पे ऑप्शन होगा ये वाला, वी आर ह्यूमन, मतलब कि डॉट डॉट करके क्या किया, इसको ऐड किया गया है बार बार सबको, तो अलग अलग क्या हो जाएंगे, कैटेगरी में आ जाएंगे। सिक्स नंबर है, बताना है आउटपुट क्या आने वाला है इस कोड का। ठीक है, सेंटेंस दिया है, रेड मैच किया गया है और यहाँ भी वही पहले जैसे किया गया है। तो सिक्स में हमारा जो आउटपुट आने वाला वहाँ पे यही होगा हमारा, डी होगा, वी आर ह्यूमन, इसमें पूरा पूरा प्रिंट होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुप को ही मैच कराया है। फिर हम यहाँ देखेंगे जो तो हमारा सेवन्थ नंबर है, यहाँ भी वही हाल है, वी आर ह्यूमन दिया है और रिटर्न मैच किया है और देख रहे हैं जैसा कि, और यहाँ पे क्या ग्रुप टू लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप टू में देखना यह है। वो सातवां नंबर है, इसमें हमारा आंसर आएगा सी, ग्रुप टू का मतलब ये हुआ जीरो, ये जीरो है, ये वन है और ये क्या है, टू है। तो इसमें से क्या होगा, इसमें मैच ग्रुप में से दूसरे जो एलिमेंट है उसको तो प्रिंट करना है, तो उसी को प्रिंट करेगा। एट नंबर हमारा यहाँ पूछा गया है कि अगर दिया गया कोई सेंटेंस है फास्ट रिजेक्ट अप्लाई किया गया है, एनिमल में डब्ल्यू प्लस, वर्ब होगा तो डब्ल्यू प्लस, और एडजेक्टिव होगा डब्ल्यू प्लस करना है, राइट करना है, रिजेक्ट करना है सेंटेंस में, सर्च करना है और ग्रुप डिसेंड लगाना है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या आउटपुट होगा। तो आठवां में हमारा हमारा आंसर होगा ये होगा, एनिमल में आपका हार्सेज आएगा जो कि नेम है, और वर्ब में आर आ जाएगा और एडजेक्टिव में फास्ट आ जाएगा। तो ये उसी आधार पर क्या करता है, सर्च कर देता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अभी जो हमारा नाइन नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है उसमें बताना है क्या होने वाला है। ये भी पूरी एक तरह से हार्ड से जाए फास्ट और रिजेक्ट लगाया है, रिजेक्ट कंपाइल किया है, एनिमल है, वर्ब है और एडजेक्टिव, फिर क्या किया, रिजेक्ट लगाकर यहाँ पे आपको नहीं सर्च करना है, ग्रुप को ही मैच करना है आपको। तो नाइन नंबर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, हार्ड से आर फास्ट पूरा मिल जाएगा आपको, अभी वाला नहीं मिलेगा, पहले क्या था, पहले पूरा मिल रहा था क्योंकि हम उसमें यहाँ पे ग्रुप डिसेंडिंग कर रहे थे ना, डिसेंडिंग क्रिएट कर रहे थे इसलिए ऐसा हो रहा था, लेकिन यहाँ ग्रुप डिसेंड नहीं हो रहा है, केवल ग्रुप सम फाइंड कर रहे हैं। टेंथ नंबर होगा जो लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे बताना है कि हार्ड से फास्ट लिखा गया है, रिजेक्ट का यूज किया गया है, रिजेक्ट कंपाइल, एनिमल है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, सर्च किया गया यहाँ पे ग्रुप टू को, ग्रुप टू में हमारा क्या है, जीरो वन टू फास्ट है, और फास्ट में बताना है कि यहाँ पे क्या होने वाला है आउटपुट। तो हमारे यहाँ पे होगा 10 का डी, यहाँ पे ये वाला होगा आंसर। ठीक है, आर यहाँ पे उनको क्या होगा मिलेगा यहाँ पे।